तोन पतन के स्कूली के पूछल त तकलीफ होला ना हम ना जब भाग से भाग ये तो दर्द बोल ले रहा कि जो तुम्हारी इसकी मैम दूसरा दाई उठे कुछ करवाए थे और बाहर इसको गाड़ा की थी तब तब हमसे बोले थे आगे तो क्या वो बोला नहीं है हमको क्या बताऊंगे जाते तो बोलते नहीं तुम्हार देखिए बच्चा गलती करता है उसके लिए आप मारिए चाहे कुछ भी कीजिए अगर उस पर हम बोलते हैं तो बात हमारी गलती है ठीक है आप लोगों का काम है क्योंकि बच्चों का समझाना तो उसमें हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन जो ड्रेस की बात है उस पर हम बोल रहे हैं कि ड्रेस अभी नहीं बना है तो क्या करें उसमें हमारी दर्जी के यहाँ भी जा रहे हैं तो उस पर जो वो लोगो लगा रहता है वो नहीं लगा के दे सकता है कपड़ा तो हम कहीं से भी खरीद के ला के दे देंगे लेकिन लोगो कहाँ से लाएंगे उसका जो ड्रेस पे लगा है। हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल जो कि बच्चों पे जो भी टीचर हैं बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। क्या अत्याचार कर रहे हैं आप लोगों को बताते हैं। कल हमारे बाबू को पूरा दिन खड़ा की थी धूप में वो भी 200 बार उठक बैठक कराई थी बिना गलती का इसलिए करवाई थी कि मतलब उसके पास ड्रेस नहीं है और ड्रेस में भी हमारी गलती नहीं है। जब से एडमिशन करवाए हैं बाबू का तब से ऐसा को मतलब दो दिन पे तीन दिन पे डेली हम जाते हैं बताइए यहाँ से दूर जाते हैं 5-6 किलोमीटर रोज पूछते हैं दुकान वाले से ड्रेस आया रोज बोलता है नहीं आया। कई बार स्कूल पे भी जा करके हम शिकायत किए हैं कि जिस स्कूल पे आप लोग अपना जिस दुकान पे आप लोग अपना ड्रेस बनवाते हैं वो दुकानदार ड्रेस नहीं बना रहा। स्कूल के मतलब जो भी अध्यापक थे बोले कि अच्छा हम कॉल करके हम दुकान वाले से बोल देंगे कि आपके बच्चों के लिए ड्रेस बना दे। कई बार नंबर दिया कॉल करने पे कल आएगा परसों आएगा ऐसे ही करते हैं लोग। और फिर जब स्कूल पे जाते हैं तो स्कूल के टीचर फ़ोन करके बोलते हैं फिर बोलता है आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग दुकान पे जा रहे हैं बच्चों का ड्रेस का पता लगाने के लिए। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखिए हम लोग किस किस दुकान पे ड्रेस लेते हैं। ड्रेस ग्लोबल का ड्रेस अरे तो वहाँ बच्चों को सब बाहर खड़ा कर दे रहे हैं बताइए वहाँ सब पैसा भेजा रहे बैठी वाला लेकिन कितना मार खाते हो समझ नहीं आ रहा है। मंगा के माल इतना दिन से बताइए दौड़ गए ऐसे कह दीजिए नहीं मिलेगा हम दौड़ना ही छोड़ देंगे। तो काय कर या नहीं ग्लोबल के भैया इतना दिन से आ रहे बताइए आप अकेले दौड़े हम लोग पूरे दौड़ डेली दौड़ा पुराना जा रहे हैं। ठीक है आप यहां बच्चे कितना कर पता है सारे दिन बच्चे को बाहर समझ रहे हम आपकी बात कह दिए स्कूल पे सीधा कि जहाँ दुकान पे आकर दिए वहाँ बात कर लीजिए उसके बाद तो आज जाके बात कर लिए जब से दो तीन नहीं मिल रहा उसके लिए जान नहीं ना देंगे हम तो बताए बच्चों को परेशान नहीं लगा लेते पूरा दिन खड़ा की थी आप वहाँ जाके स्कूल से बात करिए जब कपड़ा नहीं मिल रहा है कहाँ आर्डर किए क्या किए दुकान पे बात करिए दुकान पे आ गया दुकान पे आ गया आया तो हम आपको देते नहीं हम पैसा नहीं देंगे अगर हमारे वहाँ रहता हम आपको देते तो कभी हमको मिलता नहीं मिलता उससे हम तो रुपये कमाते ना गूगल पे भेजेगा 15 तारीख तक मिलेगा। हाँ सही है फिर उसको देख सकते हैं स्कूल में आ चुके हैं बच्चों के और यहाँ पे बच्चों का पीटी हो रहा है खिला रहे हो तो दोस्तों स्कूल से हम घर आ चुके हैं और स्कूल पे जो भी वीडियो बनाना वर्जित नहीं था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो बना है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार बोलता है 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आइएगा और स्कूल पे जाते हैं बच्चे तो बच्चों को स्कूल पे प्रताड़ित किया जाता है मारा जाता है उनको उठक बैठक करवाया जाता है इधर आओ बच्चों को उठक बैठक करवाया जाता है और जो भी हो मतलब किया जाता है बच्चों के साथ नाइंसाफी किया जाता है जो कि हर
मान लीजिए स्कूल स्कूल का जो भी मैनेजर है या फिर स्कूल का गार्जियन है कुछ भी है, उससे हम जा करके बोलते हैं कि ड्रेस की दुकान पे जाना चाहिए जिस दुकान पे वो ऑर्डर दिए, क्योंकि उनका वहाँ पे कमीशन बनता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर स्कूल वाले चाहे जो भी स्कूल हो, अगर किसी दुकान को अगर वो बोलते हैं ड्रेस ड्रेस रखने के लिए या फिर कापी किताब के लिए कि आप पर्ची देते हैं कि आप पर्ची लेकर के जाइए उसी दुकान पे मिलेगा, तो उनका कमीशन बनता है। तो मान लीजिए इनको कमीशन कमाने की इतनी शौक है तो इनको बोलना चाहिए ना कि ड्रेस बनवा के बच्चे का जल्दी से दो। अब ये बोल नहीं रहे हैं, वो बच्चे का ड्रेस नहीं बना रहा है, तो बताइए हमारी इसमें क्या गलती है? अगर हम बच्चे का ड्रेस भी सिलवा देते उस पर लोगो नहीं रहेगा और लोगों के लिए भी मारेंगे टीचर, फिर दोबारा हम 1,000 रुपया 1,500 रुपया खर्च करेगा। ड्रेस का दाम है 750 से 800 ऐसा कुछ के लगभग में है, तो बताइए हम क्या करें? आप ही लोग बताइए। यहाँ पे ये लोग आ करके परेशान करते हैं, रोते हैं गाते हैं, ना हम इधर के ना ही उधर के हैं। जब तक छोटे स्कूल में पढ़ रहे थे तब तक ये लोग हमको परेशान करके रख दिए थे, जीने नहीं देते थे कि मम्मी फलाना है पढ़ाता, बेटाना हो पढ़ाता, हाई हो दुनिया भर के। आज हम नाम लिखा गए तो नौटंकी करो तक दोनों जनी मैडम जी मारे नहीं सर जी मारे। बिना गलती बिना किस वजह का बच्चों को बाहर खड़ा करते हैं, बाहर खड़ा करते हैं बताइए। अरे कोई गलती किया है बच्चा तो समझ में आता है, अब ड्रेस के लिए उनका जिम्मेदारी है। नहीं तो बोल रहे कैमरे में है, कैमरा दिखाए आप ही बस वही बस कैमरा नहीं देखे, कैमरा हम भी देखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गार्जियन है तो हम कुछ भी सह लेंगे, कुछ भी बर्दाश्त। बच्चा गलती करता है तो आप मारिए, बच्चा कुछ भी करता है तो आप मारिए, लेकिन बिना बिना वजह का। आप लोगों को पता है कि ड्रेस जल्दी आपके स्कूल का नहीं मिलता है, वहाँ पे गया वहाँ पे चुप हो गया है, और जबकि घर पे जब रहता है घर पे दिन भर हल्ला करता है, दिन भर बदमाशी करता है। अब सुबह पढ़ने भी नहीं जा रहा था कि सुबह स्कूल पे जाए, स्कूल पे भी नहीं जा रहा था, कितना परेशान किया हमको सुबह में स्कूल पे जाने के लिए। वहां जाके उठी बन जाना होना, बोल जाले कि हां सर जी हमको ऐसे ऐसे कर रहे थे। का तल वहां बोलत के का बोलती है, बंद हो गई लाला बोल। स्कूल से आया लंगड़ाते हुए चल रहा था, पैर से सीधे से भी चल नहीं पा रहा था, ये आके बोली है कि भैया को मैम जी खड़ा की थी। देखिए घर पे आके रो रहा है, वहां पे जब पूछा गया है कि स्कूल पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप सुसूस के तरह खड़ा था। ये भी नहीं बोला कि मैम जी हमको मारी है, ये किया वो किया, पैर दर्द कर आज भी खड़ा की थी, लेकिन आज भी कुछ नहीं बोला, घर पे आके रो रहा है। ऐसा गुड़िया रहे था इन्हें के जॉन रहे ना, तू ना मिला पढ़ा ना, यहाँ से पढ़े लिखे ना जाए कुलीन, ठीक है कुलीन, आराम से घरे रहिया, तू ना मिला कुलीन ऐसे ना चलिए। खुद चाहे कि हम मम्मी पापा ले तो बताए जो सच है, तुम कहता कि ऐसा ना ऐसा खुद ना बोलो, तो बार बार बोल रहे कि सही बोलो क्या है सही बोलो। डर की वजह से एकदम मुंह बंद करके खड़ा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था डर की वजह से। अब कुछ भी करिए ठीक है, अब हम जाएंगे ना, नहीं तब हम ना जाएंगे, तो इनके स्कूल पे हम ना जाएंगे, इनके स्कूल जाइबे ना कर रहे था, मत जा चलो वादा कर लिखिया, फीस ना जमा होता फीस ही खत्म, मैं मारत फीस गरिया तक गई नहीं चाहे जैसे फीस जमा कर के नहीं है। अब ड्रेस से खाते ना हमेशा बार बार जाए ना, हर ऐसे कौन दिन नहीं बचा रहा कि हम ड्रेस खाते दो दिन पे तीन दिन पे हमेशा भाग भाग के जाए, आज ले लिया बिहान ले लिया 10 दिन आई 15 दिन बाद आया, इतना दूरिया पेट्रोल ना पसंद के दादा देना खर्चा पेट्रोल का है। कालिया वीडियो हुआ बना ला जितना भड़कत रहा उनका भड़कड़ का कुल निकल गई होते, बच्चे का बात मानेंगे? बच्चे का बात तो सरकार मानता है, हम तो गार्जियन है मानते हैं, बच्चे झूठ भी बोलते हैं सही भी बोलते हैं, हर बच्चे सही बात नहीं बोलते हैं, हमको भी पता अच्छी तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बच्चे कैसे हैं। कुछ अलग तो नहीं नगर लाल ने तो हम बोलते ना। आई अभिषेक त्रिपाठी कौन है? तो दोस्तों अगर गार्जियन कोई भी गलती मान लीजिए बच्चा गलती करता है तो स्कूल वाले मारते हैं डांटते हैं, उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि जब बच्चा गलती करेगा पढ़ने लिखने नहीं आएगा तब डांटेंगे, लेकिन बच्चे जब सही हैं
और अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं तो उस पर मान लीजिए ड्रेस के लिए आप इतना मार रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। ये ऐसा बच्चा है कि घर पर सबसे लड़ाई करता है। हम भी कुछ बोलते हैं ना तो हमारे भी बात का जवाब दे देता है, जल्दी सुनता नहीं है। लेकिन स्कूल पर जाने के बाद चुपचाप खड़ा था, पूछा जा रहा है क्या हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। आइए आइए ओ गैले पे का भाई लाल, ओ गैले पे का भाई लाल, हां जेबा नहीं करब समरिया दोनों जने, हम फीस जमा करब, बस फीस जमा कइले के बाद हम अपन घर चल गए, तब पता नहीं कुछ हो या हम ओकर जिम्मेदारी ना ले। सही बात बोलत के का होला, काहे नहीं सही बोले? हम तो कल नहीं हम गांव का तो गए पूरा दिन खड़ा करे नानी, ए दिन तन पतन के स्कूल में पूछल त तकलीफ होला ना, हम नहीं जब भाग से भाग एक दिन दर्द बोल ले लाल कि तू तुम्हारी इसकी मैम दूसरा दाई उठे कुछ करवाई थी और बाहर इसको खड़ा की थी, तब तब हमसे बोले थे आगे तो हमें बोला नहीं है, हमको क्या बताऊंगे जाते तो बोलते नहीं रहने तो, हम तुम्हारे स्कूल पे जाएंगे बाकी हमारे लच्छे अब नहीं गलती कर रहा तो उनके चेतन तो पढ़ावा लिखावा तो उनके ना तो उनके बढ़िया लाइक के ना रहा तो ना भाग भाग नहीं गलती कर रहा हमारे लच्छे भाग के हमारे लच्छे जो बताए हम नहीं गलती कर अल्ले बढ़िया अकेला जिंदगी बिताना सही अब हमारा ही थी बना छोड़ा हमारा तो बोलत के का होतल तुहरे का होतल बोल ये नहीं आइए पहले तुमसे ओकरे गलती बा तू नहीं मैडम जी से बोल पावला, मैडम जी खड़ा करने बोला नहीं कि मैम जी मम्मी हमारी जाती है आज बोली ना है मैम जी के कल मैम मेरी मम्मी अभी आएगी कह रही है ठीक है आने दो।